हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस आप सभी लोगों को। और गाइस मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। और गाइस अभी आप लोगों को मैं बताऊँ, एक मिनट। सो गाइस आज आप लोगों को मैं बताऊँ, क्योंकि आज मुझे ना कुछ जैसे कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। सुबह मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो हम रेगुलर जो वर्क करते हैं, जो हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, वो हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता है, और ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा गाइस मेरा फ़ोन रिंग लाइट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मेरा आज मन नहीं कर रहा है रिंग लाइट पे फ़ोन फंसा के करना। सो गाइस अभी मैं कुछ ड्रेस डाल के देन गाइस वीडियो शूट करने का मेरा बहुत 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 मन था, बिकॉज गाइस मेरे को कुछ सारे ड्रेस नहीं हो रहे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ। तो मैं मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और गाइस आप लोगों को बताऊँ, एक मिनट मैं रिंग लाइट पे लगाती हूँ फ़ोन। सो गाइस आप लोगों को मैं बताऊँ, ये आपको मेरा ये विंडो दिख रहा होगा, इधर से बाहर का नज़ारा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा मौसम सही चल रहा है, मतलब ठंडा मौसम आजकल चल रहा है 2-3 दिन से, नहीं अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी तो है, पर जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी है। देन गाइस आज मैं क्या पहन के वीडियो शूट करने वाली हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या पहन के वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मुझे ये है मेरा साड़ी का बैक, जो उसमें आप लोगों को मेरी साड़ियाँ दिखती होंगी, जिनमें अभी कम से कम ये 7-8 साड़ियाँ हैं जो मैंने इसको तय लगा के रखी हुई है, जिसमें से अभी मैं कंटिन्यू चार साड़ियों में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। कुछ साड़ियों में नहीं बना कर रही हूँ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ मेरे थोड़े न्यू हैं तो उनमें वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरे आंगन में, क्योंकि अभी गाइस मैं आप लोग बताऊँ, मेरे एक दो साड़ियाँ जो हैं नीचे से फंस के फट गए हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है कि कुछ साड़ियाँ हैं जैसे मुझे बहुत प्यार से दिया गया है, मेरे घर से मेरे मायके से दिया गया है, अब उसको भी पहन के मैं अगर ख़राब कर दूँगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी क्या है ना, आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज आप लोगों के साथ मैं अपनी साड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ, खोल के नहीं शेयर करूँगी ऐसे, देन आपको सारी वही साड़ी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी में वीडियो अपना बनाती हूँ। और बहुत लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं कि अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए, तो साड़ी कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी कलेक्शन के साड़ी तो बहुत साड़ी है मेरे पास, कुछ मायके में रखी हुई हैं, कुछ यहाँ रखी हुई हैं, तो ज़्यादा मैंने ब्राइडल मैंने नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ब्राइडल वाले जो साड़ी जो ज़्यादा में मेरे हैवी साड़ी, जैसे एक हैवी साड़ी ये है, ये मैं ये भी बताऊँगी किसने गिफ्ट किया हुआ है, तो ये मेरी भाभी जी ने दिया हुआ है। अगर आप लोगों को फुल वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे रील्स वीडियो को देख लीजिए, ये इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ पर मोर का डिज़ाइन है, मोर बना हुआ है, ये मेरी भाभी जी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे जब उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद बोलते हैं ननद को साड़ी देते हैं, तो ये भी साड़ी मेरी भाभी जी का है, जो मेरा बहुत फेवरेट साड़ी है, ये मैं घर पे जब मैं मायके जाती थी तो पहनती थी, पर मैं रील शूट करने के लिए मतलब बहुत लाइट वेट साड़ी है, मतलब हल्की है, तो गर्मी में ये वीडियोज़ बनाने के लिए मैं ले आई, ये भी साड़ी बहुत अच्छी है, इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी है। और तो ये गाइस ये साड़ी मैंने ली थी मीशो ऐप से, आप लोगों को पता है आज से 1.5 साल पहले ये साड़ी ली थी, और बहुत अच्छा है, सिल्वर कलर की है, बहुत लाइट है, इसमें बहुत मतलब चमक बहुत है, तो ये साड़ी जब भी मैं पहनती हूँ बहुत अच्छा लगता है, बट अभी आजकल इसको साड़ी को पहन नहीं रही हूँ, तो कभी कभी पहन लेती हूँ, रोज़ नहीं। और सो गाइस अभी एक साड़ी ये है, ये भी मेरी भाभी जी ने दिया है, ब्लैक साड़ी उन्होंने इस बार दिया था, मायके से आई है तो उन्होंने दिया है, तो इस साड़ी को पहले बहुत वीडियोस वगैरह मैंने बनाया, और पर इसमें ना जो इसमें वर्क है, जैसे इसमें मिरर वगैरह लगे हैं, छोटे छोटे मिरर, वो मिरर निकल जा रहे थे डांस करते हुए, तो मैं हर एक मिरर को उठा उठा के चिपका तो नहीं सकती ना, क्योंकि डांस करते हुए बहुत सारी चीज़ें वर्क वाली चीज़ें जो हैंड वर्क के होते हैं ख़राब हो जाते हैं, जिसमें नग वगैरह लगे होता है,
ये भी मेरी मम्मा का है, ये मेरी मम्मा का साड़ी है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था, क्योंकि ये सब मेरे रील्स बनाने के लिए उन्होंने पर्सनली गांव से भेजा हुआ है कि मैं रील शूट करूँ। और रील शूट करने के लिए वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं मेरी वीडियोस। हाँ ये है कि वो मेरी वीडियोस नहीं देख पाते क्योंकि मेरे घर पे उन लोगों के पास टच फोन नहीं है, मेरी सिस्टर के पास है, ब्रदर फादर के पास है मेरे घर पे, ना मेरी भाभी के पास है, नहीं मम्मा के पास है। सिस्टर के फ़ोन में कभी कदार देख लेते हैं, सिस्टर तो रेगुलरली देखती है। और ये मेरी मम्मा का दिया हुआ साड़ी है जो कि आज से एक दो साल पहले, शायद आई थिंक मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गए इस साड़ी को भी। तो मेरे पास आप काउंट करते जाना अभी तक मैंने कितनी सारी साड़ियाँ दी हैं, साड़ियाँ दिखाई होंगी अभी तक मेरे 5 साड़ी आपको मैंने दिखा दी है। अभी 3 साड़ी मैंने अभी वाशिंग मशीन में डाली हुई है धुलने के लिए, जो अभी इसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी है, एक ग्रीन कलर की साड़ी है, और एक जो अभी हाल फिलहाल जो मेरी मम्मा ने अभी मेरे को भेजा है वो साड़ी है, वो भी वाशिंग मशीन में रखी हुई है। ठीक है, तो उनको मिला के 7 6 7 8 8 साड़ी हो गए। ठीक है, 3 साड़ी उसमें रखे हुए हैं और बाकी अभी मेरे थोड़ा लगेज में रखे हुए, तो लगेज वगैरह के मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बनारसी साड़ी रखे हुए हैं। तो एक साड़ी ये है, ये भी मेरी मम्मा की है, पर इसका ब्लाउज नहीं है क्योंकि इसकी ब्लाउज थोड़ा सा वो ख़राब हो गया है, तो इसका ब्लाउज तो मैं कोई भी गोल्डन में अटैच कर लेती हूँ। तो अभी इस साड़ी को पहन के मैं वीडियोस नहीं शूट की हूँ, तो आज इस साड़ी को पहन के मैं वीडियो शूट करूँगी। और अगर आप लोगों को फुल वीडियोस देखनी है, अगर फुल ड्रेस देखनी है साड़ी का, तो आप लोग जाके मेरे रील्स वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा 9th साड़ी, ये मेरा 9th साड़ी है जो मैं रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। अभी कुछ टाइम से मैं कुछ वीडियो साड़ी को नहीं रेगुलर यूज़ कर पा रही हूँ, रीज़न यह है कि मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो शूट करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है इस रीज़न से मुझे। मैंने आप लोगों से बोला था एक टाइम मेरे को जब मिलेगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो गाइस ये भी साड़ी आप लोगों को पता होगा, इस साड़ी में मैंने बहुत बार रील्स बनाई है, मैंने मीशो ऐप से ली थी, बहुत ही प्यारा साड़ी है और बहुत अच्छा है, नेट साड़ी है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कंफर्टेबल है आप इसको पहन के। मैंने इसमें बहुत बार वीडियो शूट किए, मुझे खुद नहीं पता कितने बार वीडियो शूट की हूँ, वीडियोज़ भी शूट की हूँ। इसमें बहुत ही प्यारा साड़ी है और इसमें अभी 1-2 कलर और मंगानी है मुझे जब मैं गांव जाऊँगी, इससे पहले इसको ऑर्डर करके जाऊँगी। तो ये मेरा 10 साड़ी हो गए टोटल। अभी और दिखाती हूँ, एक साड़ी लास्ट है। तो गाइस एक साड़ी ये है, ये जो मेरी मम्मा मेरे लिए ली थी, तो ये इसकी प्रिंट ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। पर ये लोग बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि ये गांव में जो जो पहनते हैं उस टाइप का है, नहीं आपकी नज़र में होगा, मेरी माँ ने मेरे को दिया है तो मेरे लिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो मेरे माँ बाप जो चीज़ देते हैं वो बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा होता है। तो ये साड़ी मेरी मम्मी स्पेशल मेरे लिए खरीद के भेजी है, इसके साथ 3 साड़ी और लेकर आई थी जो साड़ी मैंने उनको मना कर दिया था। और मेरे को ग्रीन बहुत पसंद है, ग्रीन के साथ पिंक बहुत पसंद है, तो इसमें पर्पल कलर है, इसमें ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, काफ़ी कलर मल्टी कलर में मिक्स है। तो ये साड़ी मैंने बहुत बार पहन के बनाया है और बताया भी है इसके बारे में आप लोगों को। और एक साड़ी और है, हाँ गाइस एक साड़ी और है, वो थोड़ा लाइट देन लाइट ब्लू, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ साड़ी, मैं खुद भूल जाऊँगी। सो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, टोटल मेरे पास 12 साड़ी है, 12 साड़ी है टोटल जिसपे मैं रील शूट करती हूँ। ठीक है, जिनमें से मैं कुछ 4-5 साड़ियों को कंटिन्यू डाली हूँ, कुछ साड़ी जैसे बहुत ही नीचे रखे हुए थे कैरी बैग में तो समझ नहीं आता था, जिसमें मैं ये ऑनलाइन मंगाई थी तो आप लोगों को पता होगा, देखा होगा। इसमें मैं पर्सनली साड़ी जो रेगुलर में यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या कहता है जो रोज़ मैं वीडियो शूट करती हूँ मेरे पसीने के ड्रेस हो जाते हैं और बहुत गीली हो जाती हूँ मैं, भीग जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनको मैंने देखो इतनी सारी साड़ी को मैं धुलने के लिए रखी थी, तो मैंने फिर से वाशिंग मशीन से निकाली है। तो एक साड़ी ये आपने देखा होगा अभी मेरे रील्स वीडियो में 1-2 दिन पहले मैंने बनाया, ठीक है, इसका देखा होगा। और इस ब्लैक साड़ी को मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया था, तो ये ब्लैक साड़ी भी आप जानते होंगे। तो इस पे मैंने परसों वीडियो शूट किया था ब्लैक साड़ी पे, और इस पे मैंने कल शूट किया है, आप लोग जाके देख लेना इस साड़ी को। ठीक है, ये साड़ी भी मेरे मायके, सब साड़ियाँ मेरी हैं। ठीक है, ये एक साड़ी जो मैंने सबसे पहले आपको अभी दिखाया जो थोड़ा दूसरा वाला था वो मेरी मम्मा ने दिया था, और ये है
ये साड़ी को आप लोगों ने देखा होगा, ये साड़ी में आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार देते हैं। ये साड़ी मेरी भाभी जी का है, उन्होंने मेरे को दिया है। तो इतने सारे साड़ियाँ मेरे मायके से आती है क्योंकि वो लोग मेरे को वीडियो शूट करने के लिए देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो साड़ियाँ हैं बहुत ही हैवी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाले हैं। तो उन साड़ियों को मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, रीज़न आपको बताया, क्योंकि हैवी साड़ी में डांस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितना लाइट वेट साड़ी होती है, जितनी हल्की साड़ी होती है, उनमें आप अच्छे से डांस भी कर सकते हो, क्योंकि हैवी साड़ी जो होता है ना, कई बार आपके डांस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि मेरे साथ होता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। आप लोगों को शायद मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि भारी साड़ी में नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा मोड़ा जैसे आंचल में, जैसे बोलते हैं पल्लू, पल्लू में थोड़े वर्क होते हैं तो ठीक है, पर अगर आपका पूरा ही साड़ी एकदम हैवी वर्क में है, हैवी लेस में है, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को होता है, मैं आपको बताती हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन सी साड़ी होती है। सबसे ज़्यादा ये येलो साड़ी है, देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग इस साड़ी पे बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार देते हो, इसमें डांस करती हूँ तो बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। बट गाइस, इसको पहनने के बाद जो मेरा कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है, क्योंकि मैं एकदम थक जाती हूँ साड़ी को पहन, क्योंकि साड़ी इतना ज़्यादा हैवी है कि इतने ज़्यादा मेरे को पिन अप करना पड़ता है कि कहीं से ये डांस करते समय पिन खुल ना जाए। कई बार पिन मेरे को लग भी गई है, चुभ गई है। और मैं आपको बताऊँ, अभी कुछ टाइम से 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं जब पिन लगा रही हूँ साड़ी में, जब अटैच कर रही हूँ, तो मेरे को रोज़ इस हाथ में पिन चुभ रही है, रोज़ ब्लड निकल रहा है, रोज़। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि हैवी साड़ी क्या होता है, जब आप उनको उनको क्या बोलते प्लेटें लगाते हो, प्लेटें लगाने के बाद जब आप पिन करते हो, तो कई बार आप ना ऐसे करके लगाते हो, तो कई बार यही पे लग जाता है। तो मेरे साथ रेगुलर ही यही चीज़ होता है, तो बहुत कॉमन चीज़ है मेरे लिए। तो और ये सब चीज़ें, और सबसे स्पेशल चीज़ आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, तो फुल वीडियो को ज़रूर देखना। और मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत सारे ब्लाउज खुद अपने हाथों से सिल के भेजा, जो कि अभी खुद सीख रही है। और जब वो मेरे को भेजी है, तब वो सीख रही थी, और उसने 2 दिन में सीख कर ब्लाउज़ मेरे को भेजा है, बहुत प्यार से भेजा। हाँ, बाकी वो मेरे साइज़ की नहीं है, मेरी मदर के साइज़ का वो उसने ब्लाउज़ सिले, क्योंकि मदर के बोलते ना फिटिंग लेकर सिला है, तो वो मेरे को थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो मैं खुद घर पर स्टिच करूँगी। तो ये मेरे सिस्टर ने, ये देखो अभी तक मैंने इसको निकाला नहीं है, आपको अभी शेयर नहीं किया था। मैंने कहा जिद्दी मैं अपनी साड़ी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं जो रेगुलर की साड़ियाँ यूज़ करती हूँ, जो मेरे जितने देखो मैंने 12 साड़ी में रेगुलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। इनमें से मैंने आपको बताया भी कि कुछ साड़ी मैं अभी नहीं यूज़ कर पा रही, क्योंकि बहुत नीचे रखे रहते हैं, तो उनको निकालने में मुझे दिक्कत होती है। तो जो फ्रंट में मुझे मिलते हैं 2-4 साड़ी के नीचे, तो मैं निकाल के वीडियो बना लेती हूँ। जो सबसे नीचे होते तो उतना टाइम नहीं मिलता मुझे निकालने का। तो और आप लोग आ जाइए, और बहुत हो गया साड़ी साड़ी, तो अभी मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। तो मेरे पास कुछ साड़ियाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास इस साड़ी की ब्लाउज नहीं है, मेरे पास इस साड़ी का मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया, ना मैंने इस साड़ी का ब्लाउज स्टिच करवाया, और इस साड़ी का ब्लाउज मैंने बताया कि मेरे पास नहीं है, इसका ब्लाउज ख़राब हो गया। इस साड़ी का ब्लाउज है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसका ब्लाउज आपको दिख गया होगा। और ये साड़ी एक ये ब्लाउज है जो मैंने एक मीशो ऐप से मैंने ऑर्डर किया था साड़ी, उसका साड़ी तो ख़राब हो गया था, पर ब्लाउज रह गया। तो मैं कभी बार इस साड़ी के साथ चला लेती हूँ, कभी बार किसी के साथ भी मैं इसको कॉम्बिनेशन मिला के लगा लेती हूँ। और हाँ, आपको मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लाउज। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में लोग ज़्यादातर कॉटन ब्लाउज यूज़ करते हैं। तो मेरे सिस्टर ने, जैसे गाँव में थान में मिलते हैं ना कपड़े, तो मेरे सिस्टर ने, देखो अभी सब आपको ब्लाउज दिख जाएगी एकदम नए नए कपड़े, अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया गाइस, देखो अभी ऐसे जैसे तैसे पड़ा हुआ है। ये मेरे सिस्टर ने कुछ सिल कर मेरे लिए भेजा है, और ये बहुत प्यार से भेजा है, क्योंकि बहन जो होती है ना, मेरी बहन का बस ये है कि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, बस मेरे को एक मेहनत मेरे को दिखाना। तो ये मेरी बहन ने मम्मी के साइज़ का सिला है, तो अभी इसको मेरे को फिटिंग करना है। एक ब्लाउज ये है ब्लू कलर का, ये प्योर कॉटन है, अभी जब वॉश करूँगी ना तब ये दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गांव में ये वाले थान में जैसे आजकल लोग पहन रहे हैं ना, तो वो थान का कपड़ा है, थान में कपड़े ऐसे मिलते हैं। और एक ये है येलो, मैंने उसको पर्सनली बोला था मेरे पास येलो ब्लाउज नहीं है, प्लीज मेरे को बना के भेज देना। तो उसने एक येलो ब्लाउज भेजा है, आई थिंक ये मेरे को हो जाएगा, ये थोड़ा लूज होगा देन हो जाएगा,
तो एक ये ब्लाउज सिला है गाइस, कमेंट कीजिएगा मेरी सिस्टर ने ब्लाउज अच्छा सिला के लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला था जब ये ब्लाउज मतलब ब्लॉग में बनाऊंगी तो तुम देख लेना, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगी, ठीक है। तो ये सिस्टर ने मेरे सिल के मेरे लिए भेजी, जो कि 2 दिन में सिलाई सीख कर मेरे को भेजा है, और जैसे भी भेजा है बहुत प्यार से भेजा है, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मेरी सिस्टर का, और उसने बहुत अच्छा से बहुत प्यार से मेरे को भेजा है। अभी तक मैं आपके सामने ही सब अनबॉक्सिंग करके मैं आपको इकट्ठे दिखाती हूँ। तो एक ब्लाउज ये भेजा है, तो अभी इस ब्लाउज के लिए मुझे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ डार्क मेहंदी सॉरी ये मेहंदी कलर का है, थोड़ा सा गोल्डन भी मिक्स है। तो एक ये ब्लाउज बना के भेजा है मेरे लिए, मतलब जो भी भेजा है बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक ब्लाउज भेजा है, जो मेरे पास जो कलर नहीं है, तो आई थिंक मैं इसके लिए प्लेन सी साड़ियाँ मंगा लेती हूँ। तो गाइस कमेंट्स करिएगा, अभी मैं थोड़ा सा ढंग से दिखा नहीं पा रही हूँ ना। तो गाइस ये है, तो ये एक ब्लाउज सबके पीछे है ना ऐसे डोरी से, मैंने उसको बोला था सिंपल डोरी लगा देना, कई बार मुझे लूज होता है तो मैं टाइट कर लेती हूँ इस डोरी से। तो एक ये हो गया, अब काउंट कर लेना गाइस कितने सारे बहनों से बोल रही हूँ मैं। तो एक ये ब्लाउज भेजा है जिसके ऊपर मैंने लेस लगाना है, मेरे को गोल्डन लेस लगाना है। तो एक ब्लाउज गाइस क्या बताऊँ मेरे को आजकल, गाइस मेरे को भी ब्लाउज सिलने आता था एक टाइम, मैं कटिंग भूल गई हूँ मैं भी सीखी हूँ पर मैं भूल जाती हूँ, अगर एक बार मैं कटिंग देख लूँगी मैं खुद ही सिल लिया करूँगी। तो गाइस इसमें अभी मेरे को लेस लगाना है, सब कुछ करके दिया है, तो अभी मेरे पास पिंक कलर की कोई साड़ी नहीं है, तो मेरे को पिंक ऑर्डर करना पड़ेगा, एक डार्क मेहंदी कलर की मेरे को ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो एक ये ब्लाउज हो गया, सब दिखाती हूँ आपको, कुछ तो मम्मा ने अपनी भेज दी है जो मेरे पास थी उनके पास। एक ये ब्लैक भेजा है, जैसे मेरे पास वो ब्लैक साड़ी मैंने सिंपल दिखाई थी उसके लिए मैंने ये ब्लैक मंगाया था, जिसे आपको बोला मैं प्रॉपर ब्लैक नहीं पहनती, उसके साथ कुछ होना चाहिए, तो मैंने गोल्डन वर्क जो मैंने बताया पहले, तो वैसा है मेरे सिस्टर ने बना के भेजा है। तो ये आई थिंक मेरे को हो जाएगी, थोड़ा सा लूज पड़ेगा गाइस। तो ये भी मेरी सिस्टर ने बना के भेज दिया है, और कॉटन ज़्यादा ही अच्छा होता है कि आप कॉटन कपड़े पहन के डांस करते हो। और एक थोड़ा सा ये ब्लू कलर का मेरे को भेजा, जिस पे एक भी साड़ी मेरे पास नहीं है, अब इसके लिए भी एक साड़ी मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक भी ब्लू कलर की साड़ी नहीं है। तो आप देख सकते हो, देखिए सिल के मेरी बहन ने सिल के भेजा है। तो 2 दिन में कोई बहन अगर सिल के अपनी बहन के लिए भेजती है तो बहुत खुशी की बात है। जैसा भी अच्छा सा सिला है जब मैं पहन के बनाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी ये मेरे को लूज है, मुझे खुद स्टिच करनी पड़ेगी, और इनमें देखिए डोरी ऐसे लगाया है, और बहुत ही अच्छे से प्यार से लगाया, देखो कितने प्यार से सिला है मेरी सिस्टर ने। किसी की बहन है जो अपनी बहन के लिए ऐसा करता है कॉमेंट्स में बताइए गाइस, क्योंकि मेरी बहन तो मेरे लिए बहुत करते हैं, मेरे फैमिली मेरे लिए बहुत करते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, उनके लिए कुछ करूँ। मेरी बहन का बस एक ही सपना है कि मेरा कप प्ले बटन आ जाए, मैं कप उसको दिखाऊं, और वो कहती है कि मेरी जब तक जब मेरी शादी होगी उसके पहले मेरे को प्ले बटन चाहिए। और आई होप भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी बहन की शादी से पहले, क्योंकि अभी भी वो मेरे लिए ब्लाउज़ काफ़ी सारे स्टिच कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले कर रही है, क्योंकि अभी मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है ये 2 दिन के लिए तुम 2-3 दिन में मुझे सिल के दिए हो कोई बात नहीं, घर में मैं रेगुलर ब्लाउज डांस करने में यूज़ करूँगी, बट मेरे को कहीं आने जाने के लिए किसी के घर जाऊँगी मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि गाँव में कहीं भी जाते हैं तो हम बेटी होते हैं हम किसी के घर जाते हैं तो हम साड़ी पहन के जाते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे लिए अच्छे से ब्लाउज़ के डिजाइन सीख लो, जब मैं यहाँ से साड़ी लेके आऊँगी तो तुम्हारे से सिलवाऊँगी। तो कह रही थी कोई बात नहीं, तो अभी मम्मी का सिल रही है, अभी उसको सिले, अभी ये आ तो गया था, आ गया था ये 10-15 दिन पहले आ गया था, मैंने आपको शेयर नहीं किया ब्लाउज़, तो आज मैंने शेयर किया, तो अभी तक वो अच्छे से सीख गई है, क्योंकि पहले भी वो सीख रही थी, सीख चुकी थी। सेम हम दोनों बहन का कंडीशन था, क्योंकि घर में हमारे पास मशीन नहीं था, सिलाई मशीन नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा कटिंग भूल गई थी, बाकी सिलना पूरा आता था, कटिंग मैं भी भूल गई हूँ, सिलने मुझे पूरा आता है, ठीक है, मैं ब्लाउज बहुत अच्छा सिल लेती हूँ, बस कटिंग में होता ना, जब आप कटिंग भूल जाओगे तो सिलाई आपको अगर पता भी रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास भी मशीन है, आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बहुत बार दिखाया कि मैं स्टिच करते हुए, तो मेरे पास भी था, तो मैंने भी अपने हाथ से बहुत सारे ब्लाउज सिले हैं जिनको मैं पहन के वीडियो भी शूट करती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी है कई बार, थोड़े डिजाइन वाले भी मैंने अपने हाथों से सीख कर और खुद सिला है। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आज मैं आप लोगों को वही चीज़ें शेयर की हूँ
जो चीज जो मेरे घर में है और मैं दिखाऊंगी, और मैं जल्दी ही गांव जाने वाली हूँ, आप लोगों से बताऊँ, और जब जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर बार सोचती हूँ बहुत अच्छी चीज़ें, मुझसे जितना होता है मैं उतनी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग जो भाई बहन यूपी में रहते हैं या गाँव में विलेज में रहते हैं, यूपी बिहार से जो भी लोग गाँव में रहते हैं, उनको पता है कि गाँव में ऐसे बहुत लोगों को मतलब बहुत चीज़ें नहीं पसंद आती, जैसे कि बेटियों को डांस करना, वीडियोस बनाना। आजकल तो चलो सभी लड़कियां लड़के डांस कर रहे हैं गांव में, तो उतना आप लोग नहीं, क्योंकि लोग अब गांव में भी लोग बहुत तरक्की में हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी जो नेगेटिव चीज़ें लेके चलते थे वो थोड़े पॉजिटिव में आ रहे, क्योंकि पहले के टाइम में होता था बेटियां जींस नहीं पहन सकती थी, हमेशा सूट में रहती थी बेटियाँ, अब लड़कियाँ जींस भी पहनने लगी हैं सब कुछ। तो मैं अब गाँव जाती हूँ तो देखती हूँ कि जो लड़कियाँ, मैं गाँव से आई थी जब देखती थी मेरे पूरे गाँव में सब सूट पहनती थी, मैं मेरी सिस्टर जींस पहनते थे, तो लोग मेरे फादर को बोलते थे कि तुम्हारी बेटियाँ जींस पहनती हैं, हमारे यहाँ बेटियों को अलाउड नहीं है। और आज मैं जाती हूँ तो देखती हूँ सब जींस पहनती है गाँव में, सब बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जींस पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं, तो कॉलेज भी जाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ कि हर चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रहा है गाँव में, तो अच्छी बात है, चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए। और तो अब गाँव में क्या है ना कि रील्स वगैरह के लिए मुझे थोड़ा शर्म लगती है, मैं आप लोगों से बताऊँ, मैं कभी भी पब्लिक प्लेस में नहीं, बार बार मैं बोलती हूँ पब्लिक प्लेस में मैं जा सकती हूँ, ज़्यादा क्राउड में मैं नहीं डांस कर सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है, मैं अगर हिम्मत करके मैं डांस कर भी लूँ, पर मेरे हस्बैंड को है ना, उनको बहुत शर्म आती है, वो नहीं करते, वो कहते हैं कि वीडियो ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ पर कोई अगर एक आधा हो भी थोड़ा दूर में रहे पर सामने कोई ना हो, तो उनको शर्म आता है। इस कारण मुझे भी बोलते ना, अगर आपके साथ कोई खड़ा हो, अगर आपका साथ दे रहा है ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, पर अगर वो इंसान ही सामा रहा है तो आपका क्या होता है ना, जितना भी हिम्मत आपने जुगाड़ के रखा होगा ना, वो भी कोई फायदा नहीं है फिर तो। गाइस और है तो पार्टी वेयर जितनी भी ब्लाउज हैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक ब्लाउज और शेयर करनी है जो कि भी मैंने वॉश करके रखी हुई एक ब्लाउज है, और ये ब्लाउज भी आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी एक ही रील में भी मैंने यूज़ करा है इसको, अभी कल की रील में मैंने इसको यूज़ किया इससे पहले। तो ये ब्लाउज आप लोगों को कैसा लगा, और इसकी जगह भी मेरा नया ब्लाउज है, और इस साड़ी की ब्लाउज है, इस वाली साड़ी का ब्लाउज है, तो इस साड़ी को आप लोगों ने पहनते हुए देखा, पर इसका ब्लाउज गांव में छूट गया था तो नहीं आ पाया था, फिर मम्मी ने भेजा है, क्योंकि पहले उनको लगा था कि मैंने भेज दिया है, पर वो छूट गया था, गाँव में छूट गया था, फिर दोबारा आया ये। अब जब आया तो इसको मैं रेगुलर नहीं पहन सकती, क्योंकि मेरे पार्टी वेयर ब्लाउज है, तो क्योंकि गाइस सब डांस करते हैं ना, तो हमारी जो ब्लाउज है यहाँ से खींचती है। तो बस आज का ब्लॉग ऐसे ही रहा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आप तक आता रहा है। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग वीडियो को देखे, मेरे शॉर्ट वीडियो को देखे, और ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए। और आज मैं जाने वाली हूँ साड़ी को पहन के वीडियो शूट करने, तो प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहे, प्यार देते रहे, और कमेंट्स भी बताइएगा आप लोग की, मेरी बहन ने मेरे लिए 2 दिन में ब्लाउज सी लगकर मेरे को भेजा है, आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल अभी इसको थोड़ा स्टिच करूँगी, जब मैं वीडियो शूट करूँगी तब आप लोगों को फ्री ब्लाउज दिख जाएगा एकदम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मम्मी के फिटिंग के हैं तो वो थोड़ा मुझे लूज पड़ रहे हैं, बट उसको मैं जब स्टिच करके पहनूंगी तो आप लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। आई होप आप लोग मेरी बहन को भी ज़्यादा ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि मेरी बहन वैसे चैनल पे नहीं है ठीक है, वरना वीडियोस वगैरह नहीं शूट करती है, मैं करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी बहन को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें कि हाँ बहुत अच्छा करती है, और मैं भी ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा आज इतना मतलब मेरे को सिल के दिया, तो भगवान करे बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज सिले, ड्रेसेस सिले, सूट वगैरह भी सिलती है मेरी सिस्टर। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखते गाइस, आप लोग अपना और मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं चल रही हूँ वीडियो शूट करने, तो थोड़ा रेडी हो जाऊँगी फिर वीडियो शूट करूँगी, तो ये ब्लॉग आ जाएगा इवनिंग या कल आ जाएगा, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और अभी मैं रेडी होके मैं जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छा लगे, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे नहीं गए तो इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और फेसबुक आईडी भी दे दूँगी, जो फेसबुक पेज है मेरा उसका भी मैं दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।